हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है करवा चौथ और मैंने पहन रखी है साड़ी, तो मैंने सोचा पहले अपना एक लुक दिखाते हैं। तो ये साड़ी ना एक्चुअली बहुत पहले कोलैबोरेशन में आई थी, मुझे याद आ रहा है, तो मैंने पहनी थी। तो ये साड़ी ना बहुत पहले आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार पहनते हैं इसको आज। और अभी ना मैं जस्ट चल रही चूड़ा पहनूंगी, थोड़ा सा पायल बिछिया जो भी वो सब पहन लेते हैं। और नई पीछे अभी मैं नहीं मंगवा पाई हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं भूल गई थी मंगवाना ही। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ऑफिस से आना तो लेते हुए आना। सो वो तो मैं शाम को ही चेंज करूंगी, बट मैं सोच रही हूँ फटाफट से नेल पेंट चेंज करते हैं और उसके बाद मैं लगूंगी, पहले रंगोली बनाऊंगी और रंगोली बनाने के बाद मैं लगूंगी मैं तुरंत खाना बनाने, एंड लास्ट में लगाऊंगी आलता ताकि कोई चीज फैले नहीं, तो आलता एकदम लास्ट में लगाएंगे। सो फटाफट से अपने सारे काम निपटाऊंगी मैं। और अभी जस्ट व्रत तो फिलहाल चल ही रहा है, तो देखते हैं कैसे क्या चलती है चीजें, बट काफी अच्छा लग रहा है व्रत करके। और ये साड़ी पहन के मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने पहना था एक ही बार, तो मैंने कहा चलो यार आज इसको पहन लेते हैं। और आपको मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना पसीना और थकान दिख रही है, सो दिखेगा ही, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। इसके अलावा बाल एकदम चिपक गए हैं पसीने से, तो मैं चलती हूँ पहले जल्दी से हवा, पंखा की हवा लेती हूँ, बिकॉज बाल तो धुल नहीं सकते हैं, आज थर्सडे तो मैंने कल ही इसलिए हेयर वॉश कर लिया था, तो अच्छा वो कर लिया था। फिलहाल चलते हैं, अभी फटाफट से चीजें करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो है चूड़ा वगैरह पहन रही हूँ, थोड़ा सा मुझे रील्स भी बनाना था और प्लस ये सुबह का लुक था, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं, बिकॉज शाम वाले में तो थोड़ा टाइम लगना था। सो मैंने कहा चलो हल्का फुल्का साज श्रृंगार कर लिया जाए, आखिरकार व्रत का मतलब ही है सजना धजना। तो बस यहाँ पर मैं चूड़ियाँ पहन रही थी और मेरे को पायल बिछिया वगैरह चेंज करना था। फिलहाल बिछिया चेंज करती हूँ मैं करवा चौथ पर, अभी तक तो किया है दो बार में, और हाँ बट इस बार मैं लाना भूल गई थी तो हस्बैंड से मंगवाया। और सच बताऊँ पतियों से ना कोई भी चीज़ ज़रूर मंगवानी चाहिए, अब मुझे ऐसा लगता था, पहले लगता था नहीं मंगवानी चाहिए, बट अब मुझे लगता है मंगवाना चाहिए क्योंकि वो एक के साथ एक फ्री लाते। तो मैंने सिर्फ बिछिया मंगवाई थी बट साथ में पायल भी आया, तो अच्छी बात यह कि प्रॉफिट बहुत होता है पतियों से कोई सामान मंगवाने में। तो मैंने बस शाम को उसको चढ़ा दिया था और बिछिया चेंज कर लिया था, बट पायल नहीं चेंज किया था, वो सब तो मैं अब दिवाली पे ही पहनूंगी सीधा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने जो पुरानी वाली बिछिया थी मेरी शादी की वो पहन ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है बिछिया जो तीन वाली, मैं पाँच वाला भी खोज रही थी नहीं मिला, चार वाला भी नहीं, तो फाइनली तीन वाला मिला था, बट मेरा फेवरेट है ये। तो ये हो गई मैं रेडी अभी, और अब मैं अपने थोड़ा सा काम पे लग जाती हूँ, थोड़ा सा रील बनाती हूँ क्योंकि कुछ पोस्ट करना है, एंड उसके बाद फिर देखते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम फरे की स्टफिंग तैयार करने जा रहे हैं, और ये है चने दाल। वैसे चने दाल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है जो उड़द की दाल की बनती है, वो बहुत टेस्टी लगती है मुझे, बट फिलहाल अभी मैंने यही बनाया है। और इसमें मैंने डाला हुआ है मिर्ची और अदरक और जीरा, और नमक मैंने नहीं डाला था जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा वो पानी पानी सा हो जाता है पहले ही। तो मैंने इसमें फिर पीसने के बाद में इसमें धनिया डाला है, सूखी धनिया और हरी धनिया दोनों डाला है काट करके, और हल्दी डाल दिया। और इसके बाद इसमें जो है हम कुछ भी नहीं डालेंगे, और आप हाँ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, मैंने डाला भी था बाद में। और नमक जो है जैसे से यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे डालेंगे, अगर अभी से डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो कि बिना प्याज लहसुन की होगी, तो यहाँ पर मैंने तीन टमाटर और अदरक मिर्ची और नमक डाल करके पीस लिया है। और ये रहा हमारा चावल का आटा जो कि मैंने बिना भाप वगैरह बनाया है। सो ये जो आटा है ना इसे मैंने सिर्फ नमक डाला है, पानी डाला और गूंथ लिया है। काफी लोग क्या करते हैं पहले पानी गर्म करते हैं फिर चावल का आटा डालते हैं फिर उससे गूंथते हैं, उससे और सॉफ्ट होता है ऐसा कहते हैं, बट मुझे इतना तिमझाम नहीं चाहिए बिकॉज ना मुझे बहुत खाना है ना मेरे हस्बैंड को खाना है, इट जस्ट क्योंकि बनता है तो बस इसलिए बना रहे हैं, बिकॉज हम दोनों पे बहुत खास शौकीन नहीं है फरा वरा के, बट इसलिए थोड़ा बहुत बनाएंगे ताकि जो है मतलब थोड़ा सा दे भी सकें, बस इतना ही। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा जो ग्रेवी है ना थोड़ा सा बचा के अलग रख लिया है भरने वाला जो है इसमें, और ताकि उसमें नमक डालू तो वो खराब ना हो। अब इस सब करने के बाद में सबसे बड़ा चीज जो फंसा वो फंसा है कढ़ाई कि मैं किस चीज में बनाऊं। सो अभी मैं ना बगल से लेकर के आई हूँ बिकॉज मेरा जो बर्तन है ना वो छोटे नहीं है बराबर है, बट ये जो प्लेट है वो बहुत बड़ी हो गई है, तो क्या हुआ है कि ये मतलब हर जगह अटक जा रहा है ये हैंडल की वजह से, तो मुझे फिर दूसरे के यहाँ से लाना पड़ा। अब इसमें जल्दी से पानी गर्म करते हैं और फटाफट से बनाते हैं अपना फरा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चांद बना रही थी जिनकी पूजा करनी होती है, तो इसको भाप मतलब भाप नहीं देते यानी कि इसको पकाते नहीं है, कच्चा ही ऐसे ही बना के रख देते हैं, पूजा करते हैं और अगले दिन जो है यही गाय को दे देते हैं खिला देते हैं।
तो बस मैं यहाँ पर सिंपली बना रही हूँ जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं अपने हिसाब से देख रही थी। और इसके साथ साथ मैं गौरजी बना रही हूँ, तो गौरजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चार छोटी छोटी सी लोइयाँ ली हैं जो कि भरते हैं और बाद में इसको बना के और इसको भाप देते हैं। देन जब व्रत ख़त्म हो जाता है यानी कि जब पानी पी लेते उसके बाद सबसे पहले इसको ही गुड़ से खाना होता है। तो पहले मैं ना जितनी पूजा की चीज़ें वो बना ले रही हूँ, उसके बाद तो फरा तो बात की बातें हैं सारी। तो यहाँ पर मैंने इसे कटोरी जैसा बना करके इसमें चारों गोले डाल करके और दो बनाया है, एक अभी के लिए और एक अगले दिन सुबह खाना होता है। तो उसके लिए सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग बनाने का तरीका होता है। काफ़ी लोग गौर बनाते हैं, कोई इस तरीके से बनाता है, कोई दूसरे तरीके से, मतलब बट मैंने देखा सब कोई बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो है तेल डाला है, हींग और जीरा डाल करके सीधा यहाँ पर जो मैंने पीस करके रखा हुआ था ना ग्रेवी वो डाल दिया है, टमाटर की प्यूरी। तो अभी क्या है ना कि साथ में दोनों चीज़ लेकर बिकॉज टाइम की बहुत कमी है, तो मुझे ये भी था कि मैं अपना काम भी करती रहूं और सारी चीज़ें भी होती रहे। तो यहाँ पर मैं फ़ोन पे बात भी कर रही थी और इसके साथ में ये भी काम चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने फरा भी बना लिया और बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब सब चीज़ें अच्छे से बन जा रही थी और टाइम से सब कुछ होते जा रहा था और ये फरा मेरा फाइनली हो चुका है। और ऐसे और भी चीज़ें हमने बनाई और जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और कितनी चीज़ें बनाई हैं। तो सिर्फ धनिया पाउडर और हल्दी से ये सब्जी बनी है और आप बिलीव नहीं करोगे सब्जी इतनी टेस्टी थी ना, और जो इसकी ग्रेवी थी ना बाद में जब वो थिक होकर के जब खाने के टाइम पे खाया ना भाई मज़ा आ गई थी, लिटरली मज़ा आ गई थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि प्याज से कहीं ज़्यादा टेस्टी तो मुझे ये लगी, क्योंकि दो बार से मैं बना रही हूँ ना मुझे बहुत टेस्टी लगा ये सिर्फ और सिर्फ टमाटर की सब्ज़ी। और इसमें मैं पनीर डाल दिया, मेरी सब्जी हो गई है कम्प्लीट। और ये रहे मेरे सारे फरे, तो बस इतना ही बनाया और इतना काफ़ी है हम दो भर के लिए, तो सफिशियंट है ये। सो गाइज अभी हो रहे हैं 3:30 और यहाँ पे फैन की आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी बट लिटरली इतना थक गई हूँ कि बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं फ़ैन बंद कर सकूँ। और 3:30 बज गए हैं, मैंने सब कुछ अपना बना लिया है, सिर्फ पूड़ियाँ तलना रह गई है तो वो शाम को तलूंगी जब खाना रहेगा और तुरंत ही मैं चावल वगैरह या पुलाव जो भी खाना होगा वो बन जाएगा। फिलहाल अभी मेरा फरा पूरा बन गया है और हलवा बन गया है। हलवा इसलिए बनाया जस्ट बिकॉज ऑफ कि खीर मतलब लाइक अभी कुछ दिन पहले बनाया था तो बहुत ज़्यादा ना मेरे हस्बैंड बहुत खीर खाते हैं तो मेरा भी वैसे ही कि बन गया तो ठीक है, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था सब चीज़ जहाँ। तो सिंपली मैंने हलवा बना लिया थोड़ा सा और पनीर की सब्जी बन गई है बिना प्याज और लहसुन की। और अब मैं चल रही हूँ रंगोली बनाने, 3:30 हो गया, मेरा टारगेट था 3 तक मैं फ्री हो जाऊँ बट नहीं हो पाई, तो मेरे पास आधे घंटे जिसमें से 10 मिनट मैं रेस्ट करूंगी और 20 मिनट में रंगोली माता जी को जो है तुरंत वहां पर बैठाना ताकि शाम की पूजा में टाइम ना लगे मुझे। तो फटाफट से सारा काम करके फिर मैं मिलती हूँ कुछ मिनट के बाद। तो यहाँ पर ना मैं चौकी लगा रही थी जिसपे हरा कपड़ा लगा दिया था, हरा या लाल कुछ भी रखते हैं। तो यहाँ मंदिर के बगल में थोड़ी जगह खाली थी तो मैंने वहाँ पे कर दिया, क्योंकि मुझे रंगोली भी बनाना था और रूम में थोड़ी सी जगह कम थी तो मुझे ये था कि मंदिर पे ही करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा कुछ नहीं करनी है, सिर्फ कथा पढ़ना था मुझे। तो यहाँ पे मैंने बस चावल रखा है, उसके ऊपर कलश रखा है, वैसे भी किसी पूजा में कलश जरूर रखते हैं, तो कलश रखा है उसके ऊपर जो है कोई ढक्कन रख करके उस पर जो है मैं दिया जला दूंगी। सिंपली यही पूजा है, बाकी काफ़ी लोग के यहाँ बहुत कुछ होता है बट मेरे यहाँ सिंपल ऐसे ही होता है, ये भी नहीं होता है मेनली। मैं मतलब कथा पढ़ना तो मैंने स्टार्ट किया था तो अभी, क्योंकि वो तो कुछ भी पढ़ सकता है तो, बट और चीज़ें वैसे की वैसे करनी जैसे और घर पे होती है। तो ये ना मैंने भी रिसेंटली डॉट वाली रंगोली बनानी सीखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत क्विक बन गया। मैंने क्या किया ना कि 6 डॉट्स लेफ्ट और 6 डॉट्स राइट में बना दिए और उसी के बराबर में सारे बना दिए। और उसमें क्या किया कि जो सेकेंड वाला है सेकेंड को सेकेंड लाइन से यानी कि लेफ्ट वाले को, अभी मैं कैसे बताऊँ आप देखो जैसे भी है ये, क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इसको, बट इतना बोलूँगी कि सिर्फ इन डॉट्स को मैं ना मैं मिला करके बहुत अच्छी से रंगोली बन गई थी। मतलब मैं उतना क्लीन नहीं बना पाई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मैं हाथ से बना रही हूँ और जो इसके साथ डिब्बा होता है ना उससे जब आप बनाते तो बहुत अच्छा बनेगा, बट मेरे डिब्बे में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं दिवाली पर कुछ अच्छा सा बना सकूँ। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा कि छोटी सी मेरी रंगोली भी बन गई और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे लगता सिर्फ 15 मिनट के अंदर में ही बन गई है जो भी बनी, शायद उससे भी कम में बनी है ये, तो काफ़ी अच्छी मतलब बन गई थी। मतलब मेरे हिसाब से फिनिशिंग तो नहीं आई है बट मैं बड़ी खुश थी बना के, बिकॉज मेरे से इतनी जल्दी तो रंगोली नहीं बनने वाली थी। मतलब बनाती मैं भी, क्योंकि हर दिवाली पे शुरू से ही बनाया मैंने, मैं और मेरी सिस्टर बनाते थे शुरू से ही, बट अभी क्या है ना कि जो है इस तरीके से अचानक से कम टाइम में जब बनाने का आता टाइम भाई नहीं बन पाता। बाकी आप देखिए मैं आगे कैसे बना रही हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए वीडियो को।
तो गाइज अभी हो रहे हैं 4:30 और मैं अब जा रही हूँ तैयार होने, तो यानी कि मेरा सारा काम अपने टाइम पे एकदम हो चुका है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बट जब मैं घर पे भी थी ना तो यही 5 बजे के करीब तैयार होती थी। सो एकदम परफेक्टली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, पूजा का काम हो गया, सब कुछ हो गया। सिर्फ रग लगाऊंगी, तुरंत अपना मैं मेकअप शूट करूंगी और उसका भी वीडियो जरूर डालूंगी 1 से 2 दिन में। सो बस यहाँ पे फटाफट से अपना मेकअप करते हैं, उसके बाद पूजा का जो भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा कल, यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज ये व्लॉग ना बहुत काफी लंबा हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इसको सेपरेट कर देती हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। सो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, और रेडी होने के लिए जो भी मेकअप शूट करूंगी, जो भी व्लॉग होगा आगे का, पूजा का जो भी चीजें हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में। तो अगले व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो और अगर पुराने हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोग सब में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे जरूर बताइएगा, बट मैंने ज्यादा चीजें करने की कोशिश की है और अकेले जितनी चीजें मैं कर सकती थी मैंने करने की पूरी कोशिश की, और इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने सब कुछ कर लिया है। काफी लोग डरते हैं कि अकेले कैसे करें, बट मैं खुद भी डरती थी, ऐसा नहीं है, मैं उनमें से मैं खुद थी, क्योंकि कभी मैंने ये सब चीजें ना देखी थी। अपने घर पे भी होता था तो मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, और धीरे धीरे, लेकिन होता ना शादी के बाद जब आप जिम्मेदारियां पड़ती हैं फिर आप धीरे धीरे खुद ब खुद सीख लेते हो। जब तक मतलब ससुराल में रहो तो चलो ये रहता कि हाँ चलो वहां पे भी पेरेंट्स है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है, बट जब आप अकेले होते हो तो टेंशन होती है थोड़ी सी। बट मैं हैप्पी हूँ कि चलो मतलब अपने हिसाब से मैंने सब कुछ कर लिया, अगर कुछ भूल चुक हुई होगी तो वो तो करवा माता माफ करेंगी, बट फिलहाल मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है और अब मैं मिलूंगी आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय।